नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज बिहार झारखंड 14 जनवरी गुरुवार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायर। आज के मुख्य समाचार। बिहार में 15 फरवरी को 511 पॉक्सो पर होंगे चुनाव, उसके तुरंत बाद की जाएगी मतगणना। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर तेजस्वी यादव बोले, बिहार की मिलावटी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं। रुपेश सिंह मर्डर पर सीएम नीतीश के सपोर्ट में उतरे सुशील मोदी बोले, साउदीन जैसे सलाखों के पीछे बंद हैं। बिहार में छोटे बच्चों के स्कूल खुलने को लेकर सरकार सस्पेंस में, 10 दिन बाद हो सकता है फैसला। झारखंड में कोरोना के चलते 26 जनवरी की परेड में बच्चे, बुजुर्ग और स्टूडेंट नहीं हो पाएंगे शामिल। अब खबरें विस्तार से। बिहार की प्राथमिक कृषि साख समिति की कार्यकारिणी के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकारी के मुख्य चुनाव पद अधिकारी गिरीश शंकर के इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार 511 पॉक्सों के चुनाव के लिए 15 फरवरी को मतदान होंगे, उसी दिन मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। बता दें कि बिहार में 8463 पैक्स हैं, जिनमें से अब 1511 पैक्सों पर चुनाव होना है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार राज्य में बढ़ रही क्राइम की घटनाओं को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। एक बार फिर आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में मिलावटी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। विधायकों और उनके परिजनों पर सरेआम गोलियां बरसाई जा रही हैं। जब तक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री बिहार में प्रतिदिन 100 से 150 लाशें नहीं गिन लेते, उन्हें नींद नहीं आती। जंगल राज के महाराजा चुप क्यों हैं? इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रुपेश सिंह हत्याकांड की तफ्तीश जारी है। इस घटना को लेकर विपक्ष लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमला कर रहा है। वहीं बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने रुपेश मर्डर मामले पर कहा कि घटना दुखद और निंदनीय है। अपराधी जहां कहीं भी होंगे, खोज लिए जाएंगे, उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाएगी। छपरा में रुपेश के परिजनों से मिलने पहुंचे सुशील कुमार मोदी ने रुपेश हत्याकांड पर नीतीश कुमार सरकार का बचाव करते हुए कहा कि 15 साल पहले सरकार के संरक्षण में अपराध होता था, लेकिन अब सुशासन की सरकार अपराधियों का सफाया कर रही है। मोहम्मद साहुद्दीन जैसे लोग जेल की सलाखों में हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण बिहार में बंद हुए स्कूल और कॉलेजों को 4 जनवरी से खोला गया है। वहीं छोटे बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर सरकार अभी भी फैसला नहीं कर पाई है। 9 महीने से बंद पड़े इन स्कूलों को खोलने को लेकर अभी भी सरकार वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है। 10 दिनों के बाद बिहार में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें इस बात का फैसला लिया जाएगा कि छोटे बच्चों के स्कूल अभी खोले जाएं या नहीं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड प्रशासन बेहद सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। इस सख्ती का सीधा असर 26 जनवरी को आयोजित होने वाले परेड पर पड़ रहा है। इस बार मोहराबादी मैदान और दुमका में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में झांकी और परेड का नज़ारा बुजुर्ग और नाबालिग नहीं देख पाएंगे। प्रशासन ने 60 साल से अधिक और 18 साल से कम लोगों को इस समारोह में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी है। इस बार कोरोना के कारण सिर्फ परेड और झांकियों का प्रदर्शन होगा। प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। परेड में इस बार स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट भी शामिल नहीं होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।